फ्रेंड्स, कल रात में सऊदी अरब सरकार के हज और उमरा मिनिस्टर हिज एक्सेलेंसी डॉक्टर मोहम्मद सालेह का फ़ोन आया था। उन्होंने पूरी दुनिया में जो कोरोना पैंडेमिक है, जो कोरोना की महामारी है, उसके बारे में चर्चा की और उससे प्रभावित जहां पूरी दुनिया है, वहीं पर सऊदी अरब में भी उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, उसके बारे में भी चर्चा की। और उन्होंने कहा है कि हज 2020 में भारत से जाने वाले हज यात्रियों को इस बार हज के लिए न भेजा जाए। सऊदी अरब सरकार के इस तमाम बड़ी जो कोरोना की महामारी है उसकी चुनौतियों को देखते हुए जो सऊदी अरब की सरकार का फैसला है, उस फैसले का सम्मान करते हुए हमने फैसला किया है कि इस वर्ष हज 2020 में भारत से जाने वाले हज यात्रियों को सऊदी अरब हज यात्रा पर नहीं भेजा जाएगा। अब तक लगभग 2,30,000 से ज़्यादा भारतीय मुसलमानों ने हज यात्रा के लिए आवेदन किया है और आज ही से, बल्कि जिस समय हम आपको ये सूचना दे रहे हैं उसी समय से, सभी जो 2,30,000 आवेदन जिन लोगों ने किया है उनका पैसा बिना किसी कटौती के, क्योंकि पहले जो प्रक्रिया होती थी कि अगर जो लोग कैंसिलेशन था तो कैंसिलेशन चार्जेस होते थे, बिना किसी कटौती के सभी लोगों को डीबीटी के ज़रिए ऑनलाइन पैसे वापस कर दिए जाएंगे। उसके साथ ही साथ आप जैसा कि जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा फैसला किया था कि बिना महरम के हज यात्रा पर महिलाओं को भेजने का, 2018 में ये फैसला हुआ था। और उसके तहत जो फैसला हुआ था उसके तहत अब तक लगभग जो है वो 3,000 से ज़्यादा महिलाएं बिना महरम, मतलब बिना किसी पुरुष रिश्तेदार के, महिलाएं हज यात्रा कर चुकी हैं। इस बार भी लगभग 2,300 से ज़्यादा बिना महरम हज यात्रा पर जाने वाली महिलाओं ने आवेदन किया था। उसके बारे में निर्णय किया गया है कि जो भी बिना महरम महिलाओं ने बिना महरम हज यात्रा पर जाने का फैसला का आवेदन किया है, उनको पिछले अगले वर्ष यानी हज 2021 में जो है उनको जो अभी उनका आवेदन है उसी आवेदन के आधार पर वो पिछली अगले साल भी जा सकती हैं और जाएंगी। उसके अतिरिक्त जो नया आवेदन बिना महरम महिलाएं भरेंगी, उनको भी उनको जितने भी आवेदन आएंगे सभी आवेदनकर्ताओं को हज 2021 में जाने की व्यवस्था रहेगी। उसके साथ ही सभी लोगों के जो पैसे वापस हो रहे हैं उसमें जो बिना महरम जिन्होंने आवेदन किया है महिलाओं ने, उनका भी पैसा वापस होगा। लेकिन पैसा वापस होने का मतलब ये नहीं है कि उनको पिछली अगले साल यानी जो 2021 का की हज यात्रा होगी उसमें जाने की अनुमति नहीं होगी, बिल्कुल वो जा सकती हैं और जाएंगी। उसके अलावा जो और भरेंगी उनको भी, जितनी भी बिना महरम आवेदन महिलाएं करेंगी उन सबको जाने की व्यवस्था की गई है। इस बार भी जो है वो जो आवेदन आए हैं उसमें भी बड़ी संख्या में महिलाओं के भी आवेदन थे। वैसे भी जो अब तक, जैसे पिछली बार लगभग 2,00,000 हज यात्री हज यात्रा पर गए थे, उसमें 50% से ज़्यादा महिलाएं जो है वो हज यात्रा पर गई थी, क्योंकि सऊदी सरकार ने लोगों की सेहत को, लोगों की सलामती को ध्यान में रख करके और पूरी दुनिया में जो कोरोना के पैंडेमिक है, कोरोना की जो महामारी है उसको ध्यान में रखकर ये फैसला किया है, उस फैसले का हमने सम्मान किया है। हालांकि कई देशों ने इस फैसले से पहले ही
हज यात्रा अपने यहाँ अपने हज यात्रियों को न भेजने का फैसला लिया था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो सऊदी अरब के साथ जो एक बहुत ही घनिष्ठ और बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, भारत के एक बहुत अच्छे रिश्ते हैं, उसको हम लोगों ने मद्देनज़र रख करके सऊदी अरब के सरकार के फैसले के साथ ही चलने का फैसला लिया था। और उसके आधार पर जब कल रात में सऊदी अरब सरकार के वरिष्ठ मंत्री हज और उमरा मंत्री उनका टेलीफोन से बात हुई, उनका टेलीफोन आया और उन्होंने जो है वो हज पर ना भेजने का सुझाव दिया, उस आधार पर हमने उनके जो निर्णय है हज सऊदी अरब सरकार के उस निर्णय का सम्मान करते हुए हज 2020 में भारतीय मुसलमानों को हज यात्रा पर ना भेजने का फैसला किया है। सर, इसमें जो सेलेक्ट हुए लोग जो 2,30,000, तो अगले साल क्या ये कंटिन्यू रहेगा कि दोबारा लॉटरी होगी और इनका सिलेक्शन? नहीं, देखिए इसमें जो बिना महरम महिलाएं हैं, बिना पुरुष रिश्तेदारों के जो महिलाएं हैं जिन्होंने इस बार आवेदन किया है, 2,300 से ज़्यादा है, वो तो अगले वर्ष भी जो हज यात्रा होगी उसमें उनको फ्रेश आवेदन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक तो वो, उसके अलावा जो फ्रेश आवेदन बिना महरम महिलाएं करेंगी उनको भी जो है उस जितनी भी आवेदन करेंगी सबको जाने की व्यवस्था की जाएगी, सबको भेजा जाएगा। उसके अलावा जो ये और आवेदन करता है उनको फ्रेश आवेदन करना होगा, क्योंकि उनके पैसे वापस होंगे और जब 2021 का के हज की प्रक्रिया शुरू होगी उस समय उन्हें फ्रेश आवेदन करना पड़ेगा। ये व्यवस्था जो की गई है केवल और केवल बिना महरम के जो महिलाएं जाने वाली हैं उनकी व्यवस्था है कि उनका उनको नए फ्रेश आवेदन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो जा सकती हैं। उसके अलावा कुछ जो नई मतलब नया आवेदन आएगा, जो फ्रेश आवेदन जो करेंगे उनको भी जाने की व्यवस्था होगी। तो पैसे इनके जो रिटर्न करेंगे बिना महरम इस बार, तो उनके पैसे रिटर्न हो जाएंगे, लेकिन एप्लीकेशन नेक्स्ट ईयर के लिए भी रहेंगे? बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे वो, लेकिन हज फीस नेक्स्ट ईयर देनी पड़ेगी। हज फीस जो अभी, हाँ वो अभी रिटर्न हो जाएगी, अभी रिटर्न हो जाएगी। हाँ, आवेदन देने की जरूरत नहीं है, वो तो अभी हमने 100% डिजिटल हज कर दिया है। हमारा सारा की सारी हज की व्यवस्था ऑनलाइन है, यहाँ पर भी और सऊदी अरब में भी। जो हमने हेल्थ की व्यवस्था की है वो भी ऑनलाइन की है। उसके अलावा जो है वो बिना, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में जो है वो विदाउट सब्सिडी हज की व्यवस्था के साथ साथ सभी तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर फैसिलिटी सऊदी अरब की सरकार के साथ समन्वय करके उसे कोऑर्डिनेशन के माध्यम से की गई है। सर, हर साल जो आवेदन प्राप्त होते हैं उसमें अगर जो अगले साल आवेदन प्राप्त होंगे तो क्या कुछ जो नंबर ऑफ पिलग्रिम्स जाते हैं उनको बढ़ाया जाएगा अगले साल, क्योंकि इस साल वाले भी जो पेंडिंग रहेंगे? देखिए, हमारा इस बार का जो बायलेटरल एग्रीमेंट है, हमने लगभग जो है वो तैयारियाँ, भारत ने हज को लेकर के सभी तैयारियाँ पूरी कर ली थी, और जो भी वहाँ पर जाने की है उसके अलावा जो है वो और व्यवस्थाएं हमने जो है वो, हमारा जो बायलेटरल एग्रीमेंट सऊदी अरब की सरकार के साथ हुआ था वो 1 दिसंबर 2019 को बायलेटरल एग्रीमेंट मक्के में सऊदी अरब सरकार के साथ मैं गया था और वहाँ के हज एंड उमरा मिनिस्टर डॉक्टर मोहम्मद साले साहब के साथ हो चुका था। उसके अलावा हमने एयरलाइंस की टेंडरिंग की व्यवस्था भी पूरी हो गई थी हमारी, उसमें सऊदी अरब एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस और दूसरी एयरलाइंस एक फैनाज एयरलाइंस है, ये एयरलाइंस को शॉर्टलिस्ट किया गया था और इसके लिए हमने 160 करोड़ एडवांस के तौर से भी एयर इंडिया को दे दिया था। इसलिए जो है वो हमारी व्यवस्था, और उसके अतिरिक्त जो है वो भारत से जो टीम जाती है वहाँ पर लोगों के रहने के रिहाइश के लिए, उस वो भी कई बार टीम में जा करके वहाँ पर किन मकानों में रहना है, किन जगहों पर रहना है, वो सारी व्यवस्था कर रही है। लेकिन अब ये जो कोरोना की का कहर है, जो चुनौतियाँ हैं, निश्चित तौर से इसमें सभी दुनिया प्रभावित है, और जो सऊदी अरब की सरकार ने फैसला किया है उसका हम सम्मान करते हैं और हम उनके साथ पूरी तरह से सहयोग करते हैं।